दिनेश्वर महाराज टोने टोटके में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो से संबंधित या अपनी किसी समस्या से संबंधित कोई भी बात करना चाहते हैं तो दिनेश्वर महाराज आपके लिए कॉल मी फोर पर उपस्थित हैं। दिनेश्वर महाराज से सीधे फ़ोन पर बात करने के लिए कॉल मी फोर ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और उनकी आईडी दिनेश्वर महाराज @CM4 सर्च करें और कॉल बटन पर क्लिक करें। कॉल करने से पहले उनके प्रोफाइल में उनका अवेलेबिलिटी टाइम जरूर चेक करें। नमस्कार, मैं दिनेश्वर महाराज आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस तरीके के वीडियो क्यों बनाता हूं? आप लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है कि हमारा सनातन सत्य क्या है। हमारे सृष्टि के अंदर जितने भगवान ने यहां पर जन्म लिया, सारे भगवानों को भी अपना गुरु बनाना पड़ा था। जैसे आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि थर्ड नंबर पे यहां पे देखेंगे हमारे राम भगवान हैं, ये हमारे कृष्ण भगवान हैं, ये हमारे साईं बाबा हैं। तो आप सबको मैं बताऊंगा, जैसे कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे, इनको भी अपना गुरु बनाना पड़ा था। और गुरु को मालूम है कि ये कृष्ण भगवान है, पालनहार है, ये सारे जगत का पालनहार है, ये फिर भी ये मेरा शिष्य है। और गुरु और शिष्य का जो मीनिंग होता था उनको बहुत अच्छी तरह से पता था। तो आज आप भागवत गीता पढ़ के मोक्ष की तैयारी करते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, वो भागवत गीता का देन है, वो रामायण का देन है। रामायण पढ़ते हो आप भाव सागर से पार हो जाते हो, भागवत गीता पढ़ते हो आप भाव सागर से पार हो जाते हो। चलिए, हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, हम साईं बाबा तक आते हैं। साईं बाबा के बारे में तो आप सबको पता है, बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, साईं बाबा के पास जाते हो दर्शन करने, दर्शन करके चले आते हो। आप लोग सोचते हो कि नहीं, वहां पे बहुत पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसा कतई ना सोचे आप। ऊपर वाले ने इनको चुना था, इनको संत के नहीं, इनको पृथ्वी पे भेजा था। आप सबको बताना चाहूंगा, मैं दत्तात्रेय महाराज का जब अध्याय समाप्त हुआ था तो ऊपर वाले का जो निगरानी था वो ऐसे ऐसे जगहों पे होता था और उस जगह पे अपना एक जरिया भेजते थे। साईं बाबा एक जरिया है, आपको मैं बता रहा हूं, साईं बाबा एक जरिया है, एक गुरु है, एक संत है। उन्होंने शिरडी में उनको क्यों भेजा, आपको कुछ पता है शिरडी में क्यों भेजा उनको? शिरडी में इसलिए भेजा गया, शिरडी वासी जितने भी थे उनके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी जो कार्य करने का जो तरीका था वो उनके पास वो नहीं था, उनके अंदर क्षमता नहीं था। उनके यहाँ ढोंग पाखंड बहुत चलता था, भगवान की पूजा किस तरीके से करना चाहिए था, किस तरीके से स्थापित करना चाहिए था, वो भी साइंस नहीं थी उनके पास। तो शिरडी में आप सबको एक पता होना चाहिए कि शिरडी के जितने भी रहने वाले हैं, वहां पे गांव था, चाहे खेड़ा था, चाहे शिरडी के वासी जितने भी हैं, उन सबको पता है कि शिरडी में साईं बाबा भिक्षा मांगते थे, लाकर खाना बनाकर सबको खिलाते थे। साईं बाबा ने शिरडी में आने का कार्य क्या किया, इंसान को इंसानियत के नाते समझाने के लिए आए कि हम इंसान हैं, धर्म और मजहब बाद में है, पहले हम इंसान हैं, इंसानियत की इज्जत करो आप, मजहब किसी का भी हो सब ऊपर वाला है, सबका मालिक एक है। उन्होंने ये कार्य अपने तरीके से निकाला और लोगों को समझाया। शिरडी के साईं बाबा के अंदर इतनी पावर है, आप सबको शायद पता ही नहीं होगा, आप एक बार दर्शन तो करो, आपको समझ में आ जाएगा कि शिरडी के बाबा कौन है, साईं बाबा कौन है, ये आपको सत्य पता चल जाएगा। ज्यादा इधर उधर सुनने से और समझने से कोई मतलब नहीं है। आज आपको पता है शिरडी में क्या होता है। शिरडी के अंदर जब साईं बाबा थे तो भिक्षा मांग के सारे लोगों का पेट भरते थे, साईं बाबा नहीं है तो भी शिरडी के अंदर सारे लोगों का पेट भर रहा है। क्यों भाई? इसलिए कि इंसानियत आज भी जिंदा है वहां पे। आज शिरडी में सारे लोग अपने अपने जगह पे एस्टेब्लिश हो गए हैं, वो किसकी देन है? शिरडी में किसकी देन है? वो सब साईं बाबा का देन है। तो साईं बाबा महान थे,
और जितनी भी गाथा बोल लो या कह लो वो कम पड़ेगा, इसीलिए बोला गया है कथा कीर्तन जा घर भयो संत भयो मेहमान, वो घर प्रभु डेरा किन्हा ओ घर बैकुंठ समान रे भैया, ओ घर बैकुंठ समान। जब परमात्मा का आप सही तरीके से नाम लेंगे, दिल से नाम लेंगे, परमात्मा आपके अंदर वास करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है, परमपिता त्रिदेव से बढ़कर कोई नहीं है, ये सब गेम उनका है, सब रचा हुआ कार्य उनका है, ये समझने की कोशिश करो, भाव सागर से अपने आप पार हो जाओगे। और ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनातन सत्य के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा तो जय भैरव। आज टोने टोटके में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो से संबंधित या अपने किसी समस्या से संबंधित कोई भी बात करना चाहते हैं तो दिनेश्वर महाराज आपके लिए कॉल मी फोर पर उपस्थित हैं। दिनेश्वर महाराज से सीधे फोन पर बात करने के लिए कॉल मी फोर ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और उनकी आईडी दिनेश्वर महाराज @CM4 सर्च करें और कॉल बटन पर क्लिक करें। कॉल करने से पहले उनकी प्रोफाइल में उनका अवेलेबिलिटी टाइम ज़रूर चेक करें।